Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. Facebook Pixel is the most important tool or most important part in Facebook advertisement. Pixel कहते हैं एक कोड को, ये कोड आप Facebook से उठा के अपनी वेबसाइट के जो मेन थीम है या जो मेन वेबसाइट के पेजेस हैं उसके अंदर इसको फेंक देते हो, उसमें डाल देते हो। अब ये कोड पूरी आपकी वेबसाइट पे क्रोल कर रहा है, एक एक पेज तक जा रहा है, एक एक प्रोडक्ट उसकी प्राइस क्या है, वो कब अपलोड हुई, किसने ऑर्डर किया, कहाँ से ऑर्डर किया, उसकी एज क्या थी, उसका सिस्टम क्या था, एक एक चीज फेसबुक का पिक्सल अपने पास रिकॉर्ड करता है। ठीक है, फिर हम उससे फायदा क्या उठा सकते हैं, हम क्यों अलाउ करते हैं फेसबुक को कि वो हमारी वेबसाइट के अंदर घुस जाए, हमारे कस्टमर का डाटा बेस उस तक पहुंच जाए, जो ऑर्डर कर रहा है उसका डाटा आ जाए, इवन जिसने हमारे पेज को व्यू किया, एड टू कार्ट करके बाय नहीं किया, एक एक डाटा फेसबुक के पास हम रिकॉर्ड करवाते हैं थ्रू पिक्सल्स। ठीक है, ये है बेसिक आपका पिक्सल का तरीकाकार या उसकी वर्किंग। अब फेसबुक पिक्सल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट उनके तरीकेकार हैं या तरीके बताते हैं कि जिनसे आप फेसबुक पिक्सल से फायदा उठा सकते हो। ठीक है, आज हम कुछ उस बारे में बात करेंगे कि फेसबुक पिक्सल से आप वेबसाइट से क्या क्या चीजें ले सकते हो। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है रीमार्केटिंग। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पिक्सल को आप इंटीग्रेट कैसे करते हो, पिक्सल आपको कहाँ से मिलता है। सबसे पहले आपको हम लेके जाते हैं, ये कैसे बंद होगा, कुछ उसका थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने जाते हैं एड मैनेजर में। ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस मैनेजर में मौजूद होता है या पाया जाता है। आवाज क्लियर है सबको? ओके, इसकी आप सेटिंग में जाते हैं, ऑल टूल्स में जाते हैं, तो यहाँ के आपके पास एक टैब होता है जिसके ऊपर लिखा होता है पिक्सल्स। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने जितने भी पिक्सल वाला पेज है और उस पर जो जो डाटा है वो सामने अपीयर हो जाएगा। अच्छा, जिसके पास पिक्सल ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है उसके सामने स्टैट्स आ रहे होते हैं, और जिसके सामने पिक्सल इंटीग्रेटेड नहीं होता वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। मैं आपको ब्लैंक वाले भी दिखा देता हूँ और पिक्सल कैसे जनरेट करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब ये देखें, ये एक फेसबुक का पेज है जिसपे पिक्सल इंटीग्रेटेड है। अब इस पे ये बता रहा है कि इस पिक्सल कोड के ऊपर हमें जो टोटल ट्रैफिक या टोटल इवेंट्स क्रिएट हुए हैं वो क्रिएट हुए हैं 101.2K। उसमें पेज व्यूज में गए, उसमें व्यू कैटेगरी में गए, उसमें लोग उसमें व्यू कंटेंट में गए, उसमें ऐड टू कार्ट में गए और इनिशियल चेकआउट में गए। ये सामने इनकी थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक वाइज एक ग्राफ है कि सबसे ज्यादा पेज व्यूज में लोग गए और इस तरह डिटेल्स। अब हम वो आपको दिखाते हैं जिसपे पिक्सल इंटीग्रेट नहीं है और बिल्कुल फ्रेश पेज है, इस पे नहीं होगा। लेट्स सपोज आपने बिल्कुल नया अकाउंट क्रिएट किया और आप पिक्सल को बनाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए पिक्सल वाले टैब में पहुंचे। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ रही होगी जिसपे आपके सामने लिखा होगा क्रिएट पिक्सल। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको ये खुद भी बता रहा है कि ट्रैक वेबसाइट एक्टिविटी, कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है फेसबुक पिक्सल उसको ट्रैक करेगा। इम्प्रूव योर रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट, कि आप क्या खर्चा करते हो एडवर्टाइजमेंट पे, उसकी कॉस्ट कितनी आती है और उस कॉस्ट को आप कैसे कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। और तीसरी ऑप्शन है रीच न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, कि आप नए लोगों तक और जो आपके मौजूदा वेबसाइट पे या आपके फेसबुक पेज के कस्टमर्स हैं आप उनको वापस कैसे पकड़ सकते हो। फेसबुक पिक्सल बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनकी ई कॉम की वेबसाइट है। अगर आपके पास ई कॉम वेबसाइट नहीं है और आप सिर्फ फेसबुक पेज से ही अर्न करना चाहते हो
तो आपको पिक्सल सीखने की या पिक्सल के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती। उन लोगों के लिए जिनकी ई कॉम की वेबसाइट है, उनके लिए फेसबुक पिक्सल बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एडवांस लेवल की चीज है, जिसपे आज की डिजिटल मार्केटिंग या आज की टेक्नोलॉजी बेस करती है। अब क्रिएट पिक्सल पे क्लिक करते हो तो फेसबुक आपको ऑप्शंस देता है, सबसे पहले कि आपने अपने पिक्सल का नाम क्या रखना है, ठीक है। पेज के नाम के साथ वो यहाँ पे पिक्सल ऐड कर देता है, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको कह रहे हैं -9, तो हम इस्लामाबाद को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 3 और ऐड कर सकता है, तो इट्स ओके। देन हम इसके क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। इसे सबसे पहले बोला कि आपका पिक्सल मैंने फेसबुक ने जनरेट कर दिया है, अब हम अपने इस कोड को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके इंस्टॉल करने के 3 तरीकेकार हैं, या तो आप इसको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, मैन्युअली ऐड लाइक कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ टूल्स हैं, या टैग मैनेजर है, उसके थ्रू आप इसको अपने पिक्सल को इंस्टॉल कर सकते हो। सेकेंड जो आपके पास ऑप्शन है वो है मैनुअल कोड की इंस्टॉलेशन। अगर कोई अच्छा डेवलपर है जिसको कोडिंग का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन से पेज पे कौन सा कोड डालना है, तो वो मैनुअल पे क्लिक करे। अगर आपके पास कोई डेवलपर आपने हायर किया और आप उसको ये सारा कोड भिजवाना चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से उस डेवलपर का ईमेल आईडी देना है और ये सारा पिक्सल का कोड उस डेवलपर को थ्रू ईमेल पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल लिखी होगी कि किस तरह उसने इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास कोई डेवलपर नहीं है तो आप इसको पीछे जाओ, बैक करो, कहाँ से नहीं जा रहा, अब यूज एन इंटीग्रेशन ऑन टैग मैनेजर पे क्लिक करोगे। अब ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपके पास बिल्ट इन अवेलेबल होते हैं। ये रहा आपका WooCommerce जिस पे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी होती है, ठीक है। WooCommerce एक वेबसाइट का प्लगइन है जिस पे आप उसको ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लेते हैं। अब इसने आपको प्लगइन डाउनलोड करने की ऑप्शन दी है, आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि आपके पास एक प्लगइन है, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस प्लगइन का नाम होता है फेसबुक फॉर WooCommerce। इसको आपने अपने पास यहाँ पे सेव किया, इसको हल्की सी तरह अपलोड हो जाएगा, ये आपके पास डाउनलोड हो गया। अब आप नेक्स्ट कंटिन्यू में करेंगे, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बताएगा कि आपने इस प्लगइन को अपने फेसबुक पे कैसे अपलोड करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने आपने डैशबोर्ड खोलना है, ये किसका नाजरीन, जिसका भी माइक अनम्यूट हुआ है काइंडली वो अपने माइक को ऑफ कर दे। अच्छा, फेसबुक आपको खुद सारी तफसील दिखा रहा है विजुअल के थ्रू कि आप कैसे WooCommerce को फेसबुक का प्लगइन बना रहे हैं। दुकान का घूमने के लिए जा रहा हूं, मैं कह रही हूं मामा को करनी है, पहले भी तो मैंने बुलाया है बट्टे के लिए नहीं। काइंडली अपना माइक म्यूट करके अपनी डिस्कशन कर लें, आप रिक्वेस्ट है। सबसे पहले अपना डैशबोर्ड खोलेंगे, डैशबोर्ड खोलने के बाद आप प्लगइन्स में जाएंगे और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। देन इसको आप कंटिन्यू करें तो आपको बता रहा है कि ऐड प्लगइन में आप अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो फेसबुक पिक्सल वाला यहाँ पे आपने जो फाइल डाउनलोड की है उसको सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके तीनों फीचर्स लिखे भी हुए हैं। देन अगेन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने आएगी। किसी ने वर्डप्रेस पे काम किया है तो उसको खूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये एक्टिविटी क्या हो रही है। आपके सामने एक्टिव प्लगइन का बटन आएगा, एक्टिव प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपका जो फेसबुक का प्लगइन वर्डप्रेस में इंस्टॉल होना है। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका पिक्सल ऑटोमेटिकली वहां पे इंटीग्रेट हो जाएगा। पिक्सल हेल्पर की एक एप्लीकेशन है जो कि आपको मेरे ब्राउजर में भी नजर आ रही होगी, ये वाली,
इसके ऊपर ये फेसबुक पिक्सल का लोगो बना हुआ है, ठीक है। पिक्सल हेल्पर हमें बताता है कि फेसबुक के ऊपर या इस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से प्लग या फेसबुक के वो इंस्टॉल पिक्सल इंस्टॉल है या नहीं। लेट्स सपोज हम daraz.pk की वेबसाइट खोलते हैं और उस पर चेक करते हैं कि इस पे फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल है या नहीं है। कोई स्टूडेंट चाय पिएगा? अच्छा, जिसने चाय पीनी है वो आ जाए। अब ये पिक्सल मैंने इंस्टॉल किया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आया कि फेसबुक दराज वालों ने फेसबुक का एक पिक्सल अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है, ठीक है। और जो फ्रंट पेज है इसके ऊपर पेज व्यू डिटेक्ट कर रहा है और जो माइक्रो डेटा है बाकी इसके अलावा जितना भी डेटा फेसबुक जमा करता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। अब हम किसी मिस्ट्री बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और इस पे देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर कौन सा पिक्सल अटैच है। ये वेबसाइट ठीक तरीके से ओपन नहीं हुई, इसको हम बैक करके दोबारा से खोलते हैं। ये शायद कोई इशू है फेसबुक पे दराज के पेज के ऊपर, बट इस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे व्यू कंटेंट का भी जो पिक्सल है वो आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। आप किसी प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाओगे जहाँ पे आपका बाय नाउ का या जहाँ पे आपने ऐड टू कार्ट करना होता है वहां पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे परचेज का या ऐड टू कार्ट का भी पिक्सल आ रहा होगा। यहाँ से आप किसी भी वेबसाइट का देख सकते हो कि इस पर पिक्सल ठीक तरह से अटैच है या नहीं है। अगर आपका पेज व्यू का पिक्सल अटैच नहीं है तो ये ग्रीन की जगह रेड होगा और आपको अपनी वेबसाइट का पता चल जाएगा मेरी वेबसाइट पे ठीक पिक्सल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अपने ब्राउजर में फेसबुक पिक्सल हेल्पर के नाम से एक्सटेंशन को आप ऐड कर लें। बहुत सिंपल तरीके से ऐड हो सकती है। यहाँ पे आप लिखें फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम और ये सबसे ऊपर आपके पास एक्सटेंशन आ गई। स्टूडेंट्स ये क्लास का सेशन का टाइम ख़त्म होने वाला है, 3 मिनट रह गए हैं, तो जिसके पास ये ख़त्म होगा वो दोबारा से नेक्स्ट जो लिंक है उसको क्लिक करके हमारी क्लास में वापस इंटर हो सकता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहन में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज को प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रहे तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।